चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत तरह के ट्रिकों की जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बीच में कहीं स्किप मत करिएगा। तरह तरह का मैं आपको ट्रिकली क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 5 पावर 24 का वर्गमूल क्या है। देखो बुआ, वर्गमूल का मतलब होता है रूट अंडर, ठीक है ना। तो इतना का आपको वर्गमूल निकालना है। फिर वैसा ही क्वेश्चन 7 पावर 38 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ से एक मैं आपको ट्रिकली बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 पावर 24, यहाँ पर सब कैसे करना है ध्यान दीजिए। 5 पावर 24 है तो 5 पावर 24, और इसका वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल का सिंबल ऐसे होता है। ध्यान देने वाली बात है, 5 पावर 24, और ये जो वर्गमूल का चिन्ह है इसके बदले 5 पावर 24, इस वर्गमूल के बदले पावर 1/2 लगा दी जाती है। तो आप इस जो रूट है, रूट के बदले पावर हमेशा 1/2 लगाई जाती है, ठीक है ना। तो जहाँ भी रूट आएगा आप समझिएगा आंख मुड़कर कि उसके बदले क्या लगाना है आपको, पावर 1/2 लगाना है। तो भाई रूट के बदले 1/2 लगा दिए, अब यहाँ पर काटिए, 12 दुना क्या हो जाएगा 24, यानी आंसर आ गया 5 पावर 12, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। समझ में आ रही है, अभी नहीं समझ में तो यहाँ पर समझिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसको सब करते हैं, 7 पावर 38 है, इसका क्या निकालना, वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल का सिंबल ऐसे ही होना है, ऐसे ही ना होता है। तो 7 पावर 38 है, रूट के बदले आपको लगा देना है 1/2 लगा देना है, ठीक है ना। करनी रूट का मतलब, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, हाई कट जाएगा 19 दुना 38, तो क्या बच गया 7 पावर 19। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको इसी तरीका से सॉल्व कर देना है, ऐसे मिनटों में आप सॉल्व कर देंगे। अब देखो दूसरे टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जब आपको सिर्फ 111 का स्क्वायर दिया हो, मतलब समान संख्या का स्क्वायर दिया हो, वहाँ पर आपको मान निकालना है। यहाँ पर आप गुना करेंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग इसको सिंपल तरीका के एकदम सिंपल ट्रिक के द्वारा समझेंगे। ध्यान दीजिए इसका स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर सब संख्या समान है, एक 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 आपको स्क्वायर निकालना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले काउंट करें कि एक कितना बड़ा है, एक कितना बड़ा है, तो 1 2 3 4 5 बड़ा गया है। तो यहाँ से लाइन से संख्या बढ़ते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 आपको बढ़ जाना है, कहाँ तक, 5 तक। यदि आगे रहता तो आगे तक हम लोग बढ़ते, लेकिन 1 5 बढ़ाया तो 1 से लेकर 5 तक संख्या चले गया, अब फिर घटते हुए आपको 1 तक चलाना है, तो 5 हो गया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 हो गया। तो यही वाली संख्या इसका आंसर होगा। आप इसका स्क्वायर मतलब इसका आप 2 बार गुना करके देखेंगे, आपका यही आंसर आएगा, उसमें ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। तो जब लगातार मतलब समान संख्या दिए हो, एक एक दिया हो, उसका स्क्वायर पूछ रहा हूँ, गिन लेना है कि कितना बार एक आया, तो 5 बार तो 1 से लेकर 5 तक जाएंगे, फिर घटते चलाएंगे 1 तक। तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका टच करा है, आपका ऑप्शन टच करा है डी टच करा है, ठीक है ना। अब वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 4 नंबर, आपको एक 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 बहुत सारा दिया है, वहाँ स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालना, अभी मैं बताया था कि पहले एक गिन लीजिए कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो क्या करेंगे, 1 से लेकर लगता है 7 तक संख्या जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और उसको 7 से घटते चले जाएंगे, तो 6 5 4 3 2 1 ये आएगा। जब इनका स्क्वायर करके आप गुना करेंगे तब, मतलब इसका जब आपसी गुना करेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा टच कर रहा है, ध्यान दीजिए, ये नहीं टच कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका टच करेगा। ऑप्शन डी देखिए 1 से 7 तक गया, फिर 7 से आपको घटते चला है। तो इस तरह से आप 2 तरीका आप समझ गए, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन किया है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब जरा हम लोग देखते हैं आगे की ओर। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन आपको है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन है कि रूट अंदर 1 - x/529 बराबर 16/23 है, तो बताना है कि यहाँ पर x का मान क्या होगा। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपका 5 नंबर भी है। तो दोनों क्वेश्चन को जरा हम लोग ध्यान से रिलेट करते हैं, समझते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन होना तो जानते हैं क्या, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, नीचे वाले से वैल्यू आपको देखना है, नीचे वाला 23 है और उसी का स्क्वायर यहाँ पर होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं इस बात को, जब ऐसा हो नीचे वाले का स्क्वायर आपको इसके रूट के अंदर आपको ऐसा दिया हो, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो इसमें बड़ी संख्या होता है ना, जो बड़ी संख्या उसका स्क्वायर कर देंगे, 23 है तो यहाँ पर हो जाएगा 23 का स्क्वायर, आज जो छोटी संख्या है उसको घटा देंगे स्क्वायर करके, 16 है तो 16 का स्क्वायर करके घटा देंगे, तो 23 का स्क्वायर 529 घटाओ 16 का स्क्वायर 256 होता है, आप घटाइए 9 में से 6 घटेगा 3, 2 में से 5 भी घटेगा 12 से कर चलेंगे, 12 में से 5 घटेगा 7, और 4 में से 2 घटेगा 2, कितना रहा 273 वैल्यू आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। फोकस करिए कैसे किया हूँ, जब नीचे वाले के यहाँ पर स्क्वायर मौजूद हो तो बड़ी संख्या का स्क्वायर करके छोटी संख्या के स्क्वायर से यहाँ पर घटा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहे तो इस क्वेश्चन पर फोकस करिए, 16 का स्क्वायर 256, तो वही तरीका यूज करना है, यहाँ पर 16 का स्क्वायर कर देना है,
16 का स्क्वायर और घटाना ऊपर वाले वैल्यू को, ठीक है ना। तो 15 है तो 15 का स्क्वायर ऊपर वाले वैल्यू को घटा रहे हैं। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 और घटा 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो 256 में से 225 घटा रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको थोड़ा स्पष्ट लिख दे रहे हैं 225। तो 6 में से 5 घटेगा 1, 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा 0, 31 आ रहा है। यानी आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो जब इस टाइप का वो क्वेश्चन दिया रहेगा तो इस तरीका का आप यूज करिएगा, सिंपली आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं ये पांचों, ये छठा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये आपका छठा क्वेश्चन था और ये आपका सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है कि यहाँ बोला है कि 6 पावर 10 गुना 7 पावर 17 गुना 11 पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर पावर दिया है तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताना थोड़ा नामुमकिन है, लेकिन ट्रिक के द्वारा हम लोग सिंपल इसको बना देंगे। देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि 6, 7 और 11 इसका फैक्टर कर देना है, और इसका अभाज्य फैक्टर करना है तो 1 छोड़ के आपको और सब उठाना है, क्योंकि अभाज्य फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 1 नहीं होता है। तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड यदि हम लोग करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुना 3 होगा, और 7 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा इसका क्या हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 7 लिख सकते हैं, और जो 11 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो आप लिख सकते हैं 1 गुना, ध्यान दीजिएगा यह अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं आप 1 गुना 11। तो 1 नहीं लिखना है क्योंकि अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है तो 6 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है 2 और 3 आ रही है, मतलब इसकी टोटल संख्या 2 हो जा रही है, और यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे सिर्फ 7 लिखेंगे, यहाँ पर टोटल संख्या 1 हो रही है। यहाँ पर 11 का फैक्टर में अभाज्य संख्या सिर्फ आपका 11 हो रहा है, मतलब 1 हो रही है, मतलब हमें इसका फैक्टर करके देखना है कि इसमें कौ गो अभाज्य संख्या आ रही है। तो 6 में अभाज्य संख्या 2 गो आ रही है 2 और 3, और 11 के अभाज्य गुणनखंड में मात्र 1 और 7 अभाज्य संख्या आ रहा है, और 11 के फैक्टर में आपका 11 जो है वो अभाज्य संख्या आ रही है, यानी इसमें 2 गो अभाज्य संख्या, इसमें 1 गो अभाज्य संख्या, इसमें कितना, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूं कि इसमें जो अभाज्य संख्या आ रही है 1 हो, मतलब इसमें 2 गो आ रहा है, इसमें 1 गो आ रहा है, और इसमें भी कितना आ रहा है 1 गो आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 के फैक्टर में अभाज्य संख्या की संख्या 2 गो है, 7 में 1 गो है, और 11 में कितना है 1 गो अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, करना ये है कि जो अभाज्य संख्या की संख्या 2 गो आ गया तो इसका पावर से गुना कर दें, 2 का 10 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 है 1 का 17 से गुना कर देंगे 17 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 1 आएगा 1 का 27 से गुना कर देंगे 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए इसको, तो 27 और 17 जोड़ते हैं तो 44 होगा, 44 में 20 जोड़ देंगे आपका 64 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए मैं कोई यहाँ पर मतलब अलग दिमाग नहीं लगे हूँ, बस सत्य यहाँ देखा कि 6 के फैक्टर में कितने अभाज्य संख्या आएंगे, तो 6 के फैक्टर में 2 और 3 दो गो अभाज्य संख्या आ रहा है, तो 2 गो आ रहा है तो इसके पावर से गुना कर दिए 20 हो गया। अब यहाँ पर 7 है तो 7 के फैक्टर में कितने अभाज्य संख्या आएंगे, तो मात्र 7 ही तो 1 अभाज्य संख्या आएगा ना, तो 1 आ रहा है तो 1 का 17 से गुना कर देंगे। 11 के फैक्टर में कितने अभाज्य संख्या, मात्र 11 ही आएगा, 1 गो अभाज्य संख्या आएगा, तो 1 का गुना 27 कर दिया, फिर इसको जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया 64, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि 122 का दी होल पावर 173 में इकाई का अंक बताना है। अब 122 का आप 173 में गुना करिएगा तो बाप रे बाप आप कहां से कहां पहुंचिएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको एकदम सिंपल एकदम नॉर्मल तरीका से आप समझिए कैसे करना है। तो यहां पर ध्यान देते हैं हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, जब यहां पर वैल्यू पावर जो है ना 4 मतलब 5 से अधिक हो जाए, 5 से अधिक हो जाए तो 4 से भाग लगा देनी चाहिए। यहाँ 7 जो है ना 5 से अधिक है, इसका मतलब इसमें किससे भाग लगा देंगे, 4 से भाग लगा देंगे, ठीक है ना, इसके पावर में। तो ध्यान दीजिए इसका पावर 122 का दी होल पावर कितना 173 है, इसमें 4 से भाग लगा देंगे तो 4 से लगाएंगे 4 चौका 16 और 16 173 है तो 4 चौका 16 1 बचेगा 13 4 3 12, यानी यहाँ पर जो हम काटेंगे इसको काटेंगे तो शेषफल जो है ना 1 बचेगा, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 122 का यहाँ पर पावर जो है ना शेषफल 1 लेकर चलेंगे तो 122 का क्या हो जाएगा 122। अब इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका, 122 का पावर 1 है तो 122 से होगा, इसका इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब इसके इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 2 आएगा। तो कुछ नहीं, बशर्ते आपको पावर देखना है कि 5 से अधिक है कि नहीं, 173 है तो 173 में 7 है ना 5 से अधिक, इसका मतलब इसमें 4 से भाग लगा देंगे जो शेषफल आएगा उसका फिर पावर कर देंगे, और वहां से जब पावर करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो इस क्वेश्चन को समझिए, सेम आपका क्वेश्चन वैसा ही।
ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नॉन नंबर क्वेश्चन 17 का जो पावर है दी होल पावर, 17 का दी होल पावर आपको 17 दिया है, ठीक है। 17 का दी होल पावर क्या है, 17 है, तो बताना है इसमें भी इकाई अंक आपको बताना है। तो 17 में आपका 7 5 से अधिक है, मतलब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे ही करेंगे इसके पावर में, करते हैं यहाँ पर फोकस करिए ध्यान से, यहाँ पर साइड में मैं आपको समझा रहा हूँ इसकी बातें। तो 17 है तो 17 का दी होल पावर 17 है, तो 17 का भाग किससे लगा देंगे, 4 से, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 का 16 यानी शेषफल आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 16 ना कट रहा है तो 17 है, 1 तो शेष बचेगा, तो 17 का पावर शेष कितना बचा है, 1 बचा है, तो 17 का पावर 1 मतलब 17, इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस तरीका का यूज करके आपको इकाई का अंक इस तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक दो और बातें हम लोग इसमें जान लेते हैं। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि रूट के अंदर लगातार संख्या प्लस प्लस करके आपको दिया है, तो ऐसी संख्याओं को सॉल्व करने के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है ना, कि जब आपको इनफिनिट में नंबर सिस्टम दिए हो तो उस समय कैसे आपको सॉल्व करना है। हालांकि चलिए एक बार और हम लोग ध्यान से इस बात को समझते हैं। देखिए रूट के अंदर 72 आपको इन्फिनिटिव तक बोल गया है, ठीक है ना। तो जब लगातार इन्फिनिटिव तक संख्याएं जाती है नंबर सिस्टम में, तो उसके लिए उसका फैक्टर करते हैं, जैसे 72 है तो 72 का ऐसा आपको फैक्टर करना है, ऐसा उसका फैक्टर करना है कि उनका अंतर एक आनी चाहिए। तो 72 का फैक्टर क्या कर सकते हैं, 8 गुना 9 उठा सकते हैं, तभी ना इसका अंतर जो है ना एक आएगा, ठीक है ना। देखो 12 6 72 12 और 6 भी उठा सकते हैं, लेकिन वहां पर अंतर ध्यान देना है कि आपको मतलब फैक्टर तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ऐसा फैक्टर उठाना है कि जौना का अंतर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो 72 का फैक्टर 8 गुना 9 ही उठा सकते और कुछ नहीं उठा सकते, क्योंकि इसका अंतर हमें एक चाहिए, तो 8 और 9 होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब ये तो मालूम हो गया आपको कि इसका फैक्टर 8 गुना 9 होगा, क्यों, क्योंकि अंतर चाहिए। अब ध्यान देने यहाँ पर चिन्ह देख रहे हैं, यदि प्लस प्लस होगा तो सबसे बड़ी वाली संख्या इसका आंसर होगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। लेकिन जब यहाँ पर माइनस माइनस होगा तो सबसे छोटी वाला आपका आंसर हो जाएगा 8, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, जब लगातार सेम संख्या रूट के अंदर इन्फिनिटिव तक दी रही हो तो वहां पर आपको उसका फैक्टर ऐसा ढूंढना है कि उसका अंतर एक आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, एक आनी चाहिए, एक आ जाएगा अंतर, मतलब ऐसा फैक्टर यदि आपको मिल जाएगा तो ध्यान दीजिए उसमें जो बड़ी संख्या होगा वो आपका प्लस वाले को दर्शाएगा, जो छोटी संख्या वो माइनस वाले को दर्शाएगा। जब प्लस प्लस होगा तो बड़ी संख्या आंसर होगा, माइनस माइनस होगा तो क्या छोटी संख्या है, यहाँ पर माइनस होगा तो आपका छोटी संख्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लगातार सेम संख्या है जब अनंत इन्फिनिटिव दिए रहे रूट में तो ऐसे यूज करना है। लेकिन मान लो कि रूट में आपको इन्फिनिटिव तक संख्या नहीं गई, वो सारी संख्या अलग अलग है और रूट में कुछ पदों तक जाने के बाद रुक जा रहा है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम आसान सा तरीका है, कौन सा तरीका है यहाँ पर समझते हैं हम लोग। देखो सबसे पहली बात है, यहाँ पर फोकस करेंगे, ध्यान से फोकस करिए, 169 का फैक्टर क्या होता है, पहले आप ये बताइए 169 का फैक्टर क्या होता है, इस पर फोकस करते हैं। तो 169 का जो फैक्टर होता है वो होता है 13, ठीक है ना। 169 का फैक्टर का मतलब समझ, फैक्टर यहाँ पर वर्गमूल निकाला, रूट का मतलब क्या वर्गमूल, तो 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। इस 13 को क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे 108 से, तो 108 से जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 108 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 और 13 जोड़ देंगे 108, ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या करिए, 13 आ गया, तो इस 13 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे किसके संग, 108 के संग। तो 108 और 13 जोड़ेंगे 121, तो 121 का वर्गमूल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इस बात को समझते चलिए ध्यान से, पहले 169 का 13 हो गया, ठीक है ना, 13 को क्या करेंगे, 108 से जोड़ देंगे, तो 13 को 108 से जोड़ेंगे 121 का वर्गमूल निकालेंगे, 11 हो जाएगा। अब फिर है जो 11 आ रहा है इसको भी जोड़ देंगे अगले वाले पद से, 38 में 11 जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा 38 में 11 जोड़ेंगे 49, और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ये जो 7 आ गया इसको अगले पद से हम लोग फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको अगले पद से जोड़ देंगे, तो 57 और 7 जोड़ देंगे, 57 और 7 जोड़ेंगे कितना, 64, और 64 का वर्गमूल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 8 को अगले वाले पद से हम लोग जोड़ देंगे, हई वाले पद से, ठीक है ना, 8 को जोड़ देंगे तो 8 8 16 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। समझ में आ रही है, एक बार और समझिए ध्यान से, ये सन क्वेश्चन का आपको लटपटा देगा, बताएंगे ये सब क्या कर दिए। देखो एक एक पद समझना है, 169 का वर्गमूल 13, इस 13 को अगले में जोड़ देंगे तो 121 होगा, 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जो 11 आ रहा है इसको अगले पद में जोड़ देंगे,
तो 11 में 38 जुड़ेंगे 49 होगा, और 49 का फैक्टर कितना हो जाएगा 7 होगा। ये जो 7 आगे अगले में जुड़ेंगे तो 64, और 64 का फैक्टर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 8 को अगले पद में जुड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का फैक्टर कितना हो जाएगा 4, यानी आपको ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। तो बस ऐसे आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कुछ नई तरीका लेकर, नई ट्रिक लेकर फिर मिलेंगे।